हेलो दोस्तों। तो यार फाइनली बड़ी मेहनत के बाद, बहुत दिनों के बाद IGNTU इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की जो है सेकंड मेरिट लिस्ट UG वाले बच्चों के लिए सक्सेसफुली रिलीज कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर, वो जो है अपने पोर्टल पे जाके फीस पेमेंट कर सकता है। लास्ट डेट है पेमेंट करने की 10 नवंबर 2022। तो यहाँ पे जो है कुछ कोर्सेज दिए गए हैं जिनकी मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है। हालांकि यहाँ पे जैसे कि बी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, अंडर ग्रेजुएट कुछ कोर्सेज है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, योगिक साइंस एंड मेनी मेनी कोर्सेज हैं जिनकी जो है मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है। अंडर ग्रेजुएट बी फार्मा कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यार बहुत ही सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही है इसके रिगार्डिंग। बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे जो स्कोर दिया गया है, जैसा कि 251 हाइएस्ट रहा इस बार स्कोर, एंड लोएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 191 ST कैटेगरी में लोएस्ट स्कोर रहा है। इस प्रकार से बी फार्मा कैटेगरी के लिए एडमिशन कंडक्ट हुए हैं IGNTU के अंदर। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो यार काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये भी, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। इसके साथ ही जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको डेट पता नहीं लगती है रिगार्डिंग द एडमिशन की, भैया किस कॉलेज का कब स्पोर्ट राउंड होने वाला है, कब डायरेक्ट एडमिशन होगा, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, तो वो जो हमारा CUET पेड काउंसलिंग प्लान में एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसका जो प्राइस है आपके 2 पिज्जा के बराबर है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 1 महीने में 2 पिज्जा ना खाएं और गूगल फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जो आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ के जो है पूरी ज़िंदगी पिज्जा खाते रहे और जो है वो 2 पिज्जा हम खा लें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। और तो कोई ज़्यादा अपडेट है नहीं। जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपना फीस पेमेंट करे, जिनका नहीं हुआ है उनका आगे वाले राउंड में हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यहाँ पे जो है थर्ड राउंड आने के काफ़ी कम चांसेस हैं। स्पोर्ट राउंड या फिर डायरेक्ट या फिर ओपन काउंसलिंग होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं। ऑलमोस्ट आपके CUET के जो एडमिशन है वो जल्दी क्लोज होने वाले हैं। 15 से 20 नवंबर के बीच सभी कॉलेजेस अपना एडमिशन क्लोज कर देंगे। एवरेज कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो यार क्लासे ऑलमोस्ट की स्टार्ट हो चुकी है और 14 से 15 नवंबर तक हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो क्लासे हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को, जिसका एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट हो चुका है लेकिन जो मेरिट लिस्ट है वो आई नहीं है। तो सारे के सारे बच्चे खूब पढ़ते रहेंगे, छोटों से प्यार करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज के वीडियो से विदाई लेता हूं। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है, उसको जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, उसको जरूर से जाके सब्सक्राइब करो। 100 सब्सक्राइबर अगर आपने कर दिए तो आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा 0 मार्क्स के बेसिस पे भी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप उस पर 100 सब्सक्राइबर करेंगे। और मेरे को इस वीडियो पे आके नीचे कमेंट करेंगे कि 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। हमारा 24 आवर्स लाइव सपोर्ट अवेलेबल है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल हम अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए, अगर आप है तो हम हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।